अरमान ने आज मेरी तरफ से इतना सब कुछ कहा तो दादी सा और फूफा सा को मनाने के लिए कम से कम मैं कस्टर्ड तो लेके जा ही सकती हूँ। और नेवर नो, चमत्कार भी होते हैं, क्या पता ये मीठा मीठा कस्टर्ड खा के उनका कड़वा कड़वा मुंह ठीक हो जाए। रुको, तुम क्यों दादी सा का क्लोन बन रही हो? और ये रुको का क्या मतलब हुआ? अभीरा, फूफा सा ने कहा था कि वो इस घर में वापस नहीं आएंगे, तो तुम क्यों आ जा रही हो? तो फूफा सा ने कहा था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम नहीं जा सकते। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो अरमान की लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। शांत रहो ताकि घर में थोड़ी सी शांति आए अभीरा। और वैसे भी अरमान और तुम्हारा रिश्ता रियल नहीं है। अरमान तुम्हारा फेक पति होकर भी तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, तुम्हारी इतनी फिकर करता है, थोड़ी सी तो एहसानमंद हो जाओ। मुझे उसकी फिक्र है, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। अभीरा, अभीरा मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो, चलो मैं छोड़ो, चलो। अभीरा, अभीरा, I'm so sorry, मेरा intention नहीं था, तुम्हें ज़्यादा लग गई क्या? उठो। तुम्हारे words ने जितना मुझे hurt किया है, ये चोट उसके आगे कुछ भी नहीं है। अभीरा, I'm sorry. तुम्हें देखकर चलना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? स्कूल जाते बच्चों को भी इतनी चोट नहीं लगती है। मेरी मम्मा का बर्थडे आ रहा है, मम्मा बर्थडे तो अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना, लेकिन आप तो मुझे अकेला छोड़ गए मम्मा। क्या हुआ? मतलब तुम बिना वजह छुपो? मैं मान ही नहीं सकता हूँ, बताओ क्या हुआ है? मैं ह्यूमन हूँ, मैं टीवी नहीं हूँ जो नॉनस्टॉप बोलती जाऊँ। मुझे दो, मैं करता हूँ। मुझे दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम्हें क्रिश की टेंशन हो रही है? अभीरा दादी सा अल्टीमेटली बच्चों की खुशियां ही चाहती है। अरे तुम्हारी पढ़ाई और चारों की इंटर्नशिप के लिए भी मान गई थी ना, क्रिश की डांस अकेडमी के लिए भी मान जाएंगी। क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूं। वेरी फनी। अक्षरा मैम को मिस कर रही हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है?